हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और जेनेटिक्स पर डीके में। दोस्तों, मैंने इस पोस्ट पे पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं बताया था कि ये कैसे बनाया है और क्यों बनाया है। हालांकि आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि ये क्या काम करता है। ये पोस्ट वायर माउंट्स के लिए पोस्ट बहुत ही बेहतर है। तो मैं इसे कैसे बनाया हूँ या फिर ये कैसे काम करता है, इसको बाद में बताएंगे। पहले इस वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है। जब भी हम केसिंग केसिंग वायरिंग करते हैं तो ये वाला हमें कटिंग बहुत ही आसान लगता है। आप देखेंगे तो ये जो गैप दिखता है, यहाँ से वायर जाएगा और इधर आएगा, तो ये गैप दिखता है हमें, जो कि हमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस गैप को भरने के लिए हमने इस पीस को बनाया है। जैसे ये यहाँ से आया और ऐसे ढक जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा पूरा ढक जाता है, वायर बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसका यही फायदा होता है। तो इस कटिंग को हम कैसे काटें कि बिल्कुल शेप में चिपक जाए। अब आप अंदाज पे काटेंगे तो कहीं इधर कट जाएगा ज़्यादा, कहीं इधर ज़्यादा कट जाएगा, बीच में गैप हो जाएगा, ऐसे होता है। और कभी कभी हम लोग पट्टी को इस तरह सीधा लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी गैप को हम भर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जब केसिंग केपिंग वायरिंग करेंगे तो हम इस तरह से इसको लगा देते हैं, लेकिन जब इधर से वायर जाएगा तो ये पूरा गैप रहता है, ये भी दिखेगा। ये फिनिशिंग काम नहीं हो पाता है। फिनिशिंग करने के लिए हमने इसे इस टूल्स को बनाया है। तो इसको आप लोग कैसे बना पाएंगे, मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कमेंट किया था उस वीडियो पे, पहले वाले वीडियो पे। कार्ड में आई बटन पे वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखकर उन्होंने कमेंट किया था कि सर आपने जो टूल्स बनाया है उसके बारे में वीडियो बनाया कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो मैं बना कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बता दूंगा कि मैंने कैसे इसको बनाया है। तो देखिए, इस प्लाई को मैंने रफ प्लाई है, मतलब ये बहुत ही बेकार प्लाई थी, मैं लेकर आया और उसको बनाया। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका 22.5 या 22 आप जितना चाहे कटिंग कर सकते हैं, 22.5 है इसकी लंबाई। ठीक है, देख सकते हैं आप 22 बाई 10 का ये प्लाई है। आपको एक ऐसी प्लाई कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको 10 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको 10 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर की आपको एक बीट काटनी है, एक नहीं दो बीट काटनी है, ये दोनों सेम रहनी चाहिए। और नीचे मैंने सुलेशन बनाया है, उसके बाद से इस पट्टी को रखा है, इन दोनों पट्टियों को सुलेशन डाल के उसके बाद से मैंने रखा है इसको। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि मैंने कील कहाँ कहाँ लगाई है, ये भी ध्यान देना है आपको। कील जहाँ जहाँ मैंने लगाई है आपको भी कील वहीं वहीं लगानी है। पहले इसको हम पूरा ठोक लेंगे, सेफ कर लेंगे, उसके बाद से कटिंग करनी है। और मैंने इसको ग्राइंडर से कटिंग किया है। कटिंग कैसे करनी है मैं वो भी आपको बताऊंगा, पहले हम लोग बीट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 बाई 3 की दो बीट आपको काटनी है। उसके बाद से आप ये बीट देख रहे हैं, ये भी आपकी 10 बाई, इसको भी 3 ही काटना है। आपको 10 बाई 3 की 4 बीट्स काटनी है और चारों बीट्स को ध्यान से लगाना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें कितने गैप रखने हैं, कितने इसके बीच में, तो ये बताता है ये हमारा बीट। इसी के हिसाब से हमें ये गैप रखना है कि बस ये अंदर आराम से चला जाए। ठीक, इतना ही गैप रख कर इसको पीछे से कील मारना है। देखिए मैंने पीछे से इसको पूरा कील मार लिया है। ठीक है, उसके बाद से इसको मैंने कटिंग किया है। कटिंग कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला गैप है, इसमें ये इस तरह से रख के काटने के लिए है। तो इस वाले में इतना ही गैप रखना है आपको, अंदर चला जाए, बाहर चला है, अंदर चला है, बाहर चला है, बस। उसके बाद से इसको भी इतना गैप रखना है कि सीधा इसमें आ जाए, चला जाए, काट जाए और निकल जाए। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना फोर्स से हमें इसको लगाना है ताकि हमारा जो ये कट है, यहाँ देखेंगे हमने यहाँ से इसको ऐसे काटा है तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये निशान हमने कैसे लगाया है आपको यही बताना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उन्हें ऐसे कैसे काटना है कि उस वक्त पट्टी रख के काटे तो हमारा 90 डिग्री पे पट्टी लग जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारी जो ये पट्टी है ये 29 mm है, 29 mm यानी 2 सेंटीमीटर और 9 mm। ठीक है, जितना ये चौड़ा है उतना ही लंबा हमें इधर से काटना है, उतना ही लंबा हमें इधर से काटना है। जैसे कि मैंने ये पहले ही काट लिया है इसको, ये जितना चौड़ा है उतना ही लंबा भी है इधर भी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको स्केल रख के, स्केल रख के इसको ऐसे मार्क कर लेना है, इसको सही सही मार्क कर लेना है। इसको ऐसे मार्क करने के बाद जब आप यहाँ किसी बीच में रखेंगे, देखिए इसको हम जब बीच में रखेंगे ऐसे, रखने के बाद
अब स्केल लेना है, मेरी तो मान लीजिए कटी हुई है प्लाई, लेकिन अब आपके भी कटी नहीं हुई है, तो आप ऐसे इसको रख करके और अपने प्लाई पे जो ये 3x10 की आपने काटी है उस पर ऐसे मार्क कर लेना है ऐसे, उसके बाद से यहाँ पे रख के ऐसे जब इसको मार्क कर लेंगे तब जाके आप ग्राइंडर से, हेक्सा ब्लेड से या किसी भी चीज़ से आपको उसी मार्किंग पे उसे ऐसे काट लेना है, ठीक है। ऐसे इसको काट लेना है और ऐसे काट लेना है। अब जब आप पट्टी रख के इसको कटिंग करेंगे इधर से या फिर इधर से रख के इधर से, तो ये 90 डिग्री पे कटेगा और हमारा पट्टी ऐसे डूब जाएगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरे की, इसको कैसे हम लोग जानेंगे कैसे काटना है, तो देखिए इसको छोड़िए, आप इसे समझ लीजिए हमारी जो, आप इसे समझ लीजिए हमारी जो ये पट्टी है इसकी लंबाई जितनी हो, जैसे देखिए इसकी लंबाई हमारी जो है वो है 15 mm, 15 mm यानी 1 cm और 5 mm, ठीक है। तो उतना ही हमें इसका चौड़ाई भी लेना है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, 15 mm इधर अंदर से इसको काटना है। अब आप इसे देखिए, हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको इससे और इससे मतलब है। तो देखिए ये जो हमारा है ये 15 mm हो गया है, ठीक है, 15 mm, और इधर से भी ये 15 mm हो गया है, ठीक है। अब इसको हमें कैसे करना है, तो इसको ऐसे खड़ा करके और इसकी मार्किंग करनी है, देखिए ये ऐसे, हेलो, उसके बाद से ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मार्किंग लग गई। अब ये मार्किंग होने के बाद आपको इसे ऐसे बीच में रख देना है, बीच में आप रख के, मान लीजिए मैंने तो इसको पहले से ही कटिंग कर लिया है, और आपको जब कटिंग करनी है तो उसी प्लाई पे आप इसे ऐसे रख करके और आपको मार्क लगा लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये मार्क लग गया, फिर ऐसे ये मार्क लग गया। अब इतना लगाने के बाद इसको ग्राइंडर मशीन से या फिर जिससे भी आप इसे ऐसे काट लीजिए। ऐसे काटने के बाद अभी हमारा प्लाई देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर लगा के जब आप एक्सा प्लेट से कटिंग करेंगे ऐसे, तो ये 90 डिग्री पर आके मिल जाएगा, ये ऐसे आप देख रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं, तो है ना, ये बहुत आसान। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी कोई आसान तरीका आपको दिखे या दिमाग में आए तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम भी कुछ अलग सीखें आप लोगों से। मेरे पास सिर्फ एक ही दिमाग है, और ये वीडियो जिस चीज़ के पास जाएगा उसकी अलग सोच होगी, अलग दिमाग होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट कीजिए, ताकि हमें आपसे कुछ सीखने को मिले। थैंक्स।